Good morning. Hi. Hello. Hello. Good morning everyone and welcome to another video. So आज हम लोग जा रहे हैं उना वटूना से मिलीसा बाई रोड जा रहे हैं. कल ट्रेन की बात हुई थी बट ट्रेन से ये पता चला है कि ट्रेन अगर आप लोगे तो आपको वहाँ से उतर के टुक टुक करके जाना पड़ेगा. तो बेस्ट है कि आप मिलीसा के लिए बस ले लो. और जहाँ हम लोग रुके हैं उसके ठीक सामने जो रोड दिखाई थी ना वही मेन रोड से बस मिल जाती है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है. और जहाँ हमें जाना है वहीं पे उतारेगा. सो अभी बस ब्रेकफास्ट करते हैं यहाँ पर और फिर यहाँ से सीधा निकलते हैं बस लेके मिलीसा. तो अभी फ़िलहाल ब्रेकफास्ट डन और होटल से चेकआउट कर रहे हैं. टोटल अमाउंट जो है 20,000 पर हमने जो बुकिंग करी थी वो 16,200 LKR में करी थी बट इट वॉज एक्सक्लूडिंग टैक्स जो हमें अभी पता चला. सो जो वैट लगा है वो 11% लगा है और जो सिटी टैक्स लगा है वो 10%. तो टोटल मिला के हमने अच्छा खासा 3,800 रुपये का टैक्सी भरा है LKR में. सो चार लोगों के लिए दो दिन 20,000 इन उना वटूना. तो बस यहाँ से मिलेगी यहीं से और सीधा चलते हैं मिलीसा. वहाँ के जो होम स्टे का जो होस्ट है उसका फ़ोन 7 बजे आ गया था कि भाई आपका रूम रेडी है, आप अर्ली चेक इन भी कर सकते हो. और बस निकलते, 1 घंटे का रास्ता है, 1 घंटा भाई बस. सो जल्दी से चलते हैं मिलीसा. अभी फ़िलहाल मिलीसा पहुंच चुके हैं और हमें टोटल 45 मिनट्स लगे और एक टिकट थी 63 LKR की, उन्होंने 240 रुपीज़ चार लोगों के लिए. सो 45 मिनट्स में बहुत आराम से बस से पहुंच गए. ट्रेन और कैब का या टुक टुक का बहुत ही अच्छा आइडिया नहीं है, आप बहुत आराम से बैठ के आ सकते हो. सो दिस इज़ आवर स्टे. ये है मेन रोड और उधर है बीच. तो लोकेशन तो अच्छी है, अब घर का पता नहीं, अंदर देखते हैं जाके. रूम टूर, एक बेड, ये हमने दो रूम्स नहीं है इस बार, नॉर्मल सही रूम है. सो अभी फ़िलहाल मैं अपने होटल से 1 किलोमीटर दूर आया था मार्केट से शॉर्ट्स लेने. मुझे शॉर्ट्स चाहिए थे. सो मुझे मिल गए शॉर्ट्स, 1,000 रुपये में दिया उन्होंने और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है. सो अभी फ़िलहाल जाते हैं वापस होटल और उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या करना है. जेब में 1 रुपये नहीं है मेरे पास एंड आई नीड टू विड्रॉ कैश. और एक अपडेट जो मैं आपको देना भूल गया, एक्चुअली मुझे हर एक डेस्टिनेशन पर देना चाहिए था, वो ये कि मैंने मोबिटेल का सिम लिया था, आपको बताया था 200 रुपये का, जिसमें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सएप प्लस 2 GB डेटा 30 डेज़ के लिए था. वो अभी तक चल रहा है और मुझे मोबिटेल के नेटवर्क में कहीं पे भी इशू नहीं आया. मैं जितनी भी डेस्टिनेशन पे गया हूँ हर जगह, इवन ट्रेन की जर्नी में भी मुझे डेटा अच्छा खासा मिल रहा था, 4G मिल रहा था नेटवर्क. तो जो डायलॉग का, हच का और एयरटेल का सिम ले रहे हैं, ठीक है मुझे उतना पता नहीं है, वो थोड़ा कॉस्टली है मुझे इतना पता है, बट 200 रुपये में आप 10 दिन मस्त बिंदास नेट चला रहे हो, कोई भी दिक्कत नहीं हुई. सो आई वुड से आप मोबिटेल भी कंसिडर कर सकते हो. आपको पता है मैं कोलंबो, कैंडी, एला गॉल, उना वटूना और अभी मिलीसा में हूँ, बट देर इज़ नो इशू इन द नेटवर्क. मस्त चल रहा है, एकदम दबा के यूट्यूब चला रहे हैं, एकदम अनलिमिटेड है भाई. और आई थिंक इट इज़ अ गुड थिंग क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चीप प्राइस पे भी है एंड यू आर गेटिंग एक्सेस टू दोज थिंग्स जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो. और हाँ, इसमें कोई भी कॉल नहीं कर सकते हो, मतलब ये सिर्फ मोबाइल डेटा है जिससे आप नेट एक्सेस करके चीज़ें कर सकते हो. तो अगर आपको कॉल मिलानी है श्रीलंका में तो आप उसका अलग टॉपअप कर लो, वो शायद 200-300 रुपए में हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है. बट अकॉर्डिंग टू मी मोबिटेल इज़ नॉट दैट बैड, क्योंकि लोग बार बार डायलॉग और हच के बारे में बोलते हैं. तो इस बार मैंने मोबिटेल ट्राई किया एंड इट इज़ अ गुड वन. सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो फॉर मोबिटेल एज वेल. तो अभी फ़िलहाल मैं अपने होटल से निकल के आ गया हूँ, शाम के 4 बज रहे हैं और मैं जा रहा हूँ कोकोनट ट्री हिल. और वो मेरे होटल से सिर्फ 400 मीटर्स की वॉकिंग डिस्टेंस पे था. बहुत ही फेमस जगह है, अगर आप मिलीसा ढूंढोगे तो सबसे पहले मोस्ट लाइकली यू विल सी दिस प्लेस ऑन एनी सर्च इंजन, जहाँ पर भी आप सर्च करोगे. सो कोकोनट ट्री हिल जाते हैं. और आज तो 4 बज ही गया है, कल का कोई प्लान, कल तो देखना पड़ेगा, कल तो न्यू ईयर ईव है. सो वी हैव टू प्लान क्या करना है कल. सो दैट प्लेस इज कोकोनट ट्री हिल. तो आप चलते हैं, ये रास्ता है, इधर से निकल के जाते हैं ऊपर तक. Oh, 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 oh
एंड वेलकम टू डे टू इन मिरीसा। तो कल हम कोकोनट ट्री हिल गए और इतना प्यारा सनसेट लग रहा था कि हमने डिसाइड किया वहीं पे बैठेंगे थोड़ी देर तक, जब तक सनसेट प्रॉपरली हो नहीं जाता, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। एंड आई होप आपने अभी तक वो वीडियो में देख भी लिया होगा। सो और उसके बाद हम चले गए थे एक इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने, जहाँ खाना बहुत ही बढ़िया था, वो खाया। और उसके बाद फिर थोड़ा देर ऐसे रोड पे टहल रहे थे और वापस आके सो गए। तो आज का प्लान ये है कि सबसे पहले हमें RT-PCR टेस्ट कराना है, जिसके लिए हमने घर पे ही बुला लिया सैंपल कलेक्ट करने के लिए। और एक पर्सन का चार्ज है 7500 LKR, विच इज़ वे टू कॉस्टली अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि इंडिया में तो 500 रुपये का ही हो जाता है, बट यहाँ बहुत ही ज़्यादा महंगा है। और उसके बाद सेकंड प्लान हमारा ये है कि हम स्कूबा डाइविंग करने जाएंगे। स्कूबा डाइविंग वाले को हमने कल बोला था कि हमें जाना है, पर आई डोंट नो व्हाई ही वाज वेरी बिजी, क्योंकि न्यू ईयर ईव ऑलमोस्ट, आज 31st है ही, कल 30th में भी बहुत ज़्यादा रश था। सो ही वाज वेरी बिजी, ही टुक द नंबर एंड अभी तक हम उसको कॉल ही कर रहे हैं, नहीं तो बगल में ही वॉक करके जाके उसको बुला लेंगे। और हम लोग सबको जाना है, चारों लोगों को स्कूबा डाइविंग करने। फाइनली मी एंड अनुराग आर लिविंग फॉर स्कूबा डाइविंग। चलिए सर, और रुचिका जो आएंगे बाद में नेक्स्ट राउंड में। चलो 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 भैया। सो हम लोग मिरीसा कोरल व्यू डाइविंग सेंटर आए हैं। तो अगर स्कूबा डाइविंग के कॉस्ट के बारे में बताऊं तो ये बता रहे थे 6500 रुपीज़ इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, बट हमने ऑलरेडी ब्रेकफास्ट किया हुआ है अपने होटल में जहाँ रुके हुए हैं। सो हमने वो प्राइस कम करा के बातचीत करके 5000 LKR में ले लिया है, 5000 LKR में एक पर्सन। सो उसमें क्या करते हैं, वो टुक टुक से आपको होटल से पिक करेंगे, फिर यहाँ पर स्कूबा डाइविंग कराएंगे, फिर वापस छोड़ेंगे। सो टुक टुक का जो प्राइस है या ऑटो का जो प्राइस है वो इंक्लूडिंग 5000 है सब कुछ। और बस अभी आधे घंटे में हम स्टार्ट हो जाएंगे, तो पहले शुरू में ये कुछ ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के बाद फिर डीप ले जाएंगे ऐसा बोला है। सो फाइनली सूटेड अप फॉर स्कूबा डाइविंग, बाई सिलेंडर और तमाम चीज़ें। थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया हमें सिग्नल्स का, कि पानी के अंदर कैसे सिग्नल आप दे सकते हो, ऊपर जाना है नीचे जाना है, कोई इमरजेंसी है रुकना है, आप मुझे देखो आप उधर देखो, वो सारे सिग्नल्स के बारे में इंस्ट्रक्शन मिला है। सो नाउ वी आर गुड। सो अभी हम लोग बोट में जा रहे हैं। सो फाइनली डन विथ स्कूबा डाइविंग, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। टर्टल देखने के लिए मिला, बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी ऑफ फिश देखने के लिए मिली, और कोरल तो था ही थोड़ा बहुत। सो पहले एक्सपीरियंस के लिए मैं बोलूँगा इट वाज अ गुड वन। बट अभी बज रहे हैं 2:45 और हम सुबह 9 बजे आए थे, हमें 3 घंटा यहाँ वेट करना पड़ा मोस्टली, किस वजह से हमें पता नहीं, बट 3 घंटा हमें वेट कराया गया। शायद बोट थी या पहले से लोग ऑलरेडी बुक थे, जो भी रीज़न था। सो अभी फ़िलहाल 2:45 हो रहे हैं, नहा धो के रेडी होते हैं, कुछ खाएंगे, अभी तो कुछ भी नहीं खाया, जो ब्रेकफास्ट खाया था वहीं किया है। सो जाते हैं होटल पे और उसके बाद रेडी होके निकलते हैं, और शाम को न्यू ईयर ईव है तो वील गो एंड पार्टी समवेयर।
गुड मॉर्निंग एवरी वन एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। एंड कल मिरीसा बीच में तो कुछ ज़्यादा ही बढ़िया माहौल बना था न्यू ईयर ईव का, एंड हम 1 बजे के आसपास वापस आ गए थे सारे लोग। और अभी बज रहे हैं सुबह के नेक्स्ट डे के सुबह 7, तो मैं बीच पे आ गया था थोड़ी देर बैठने, क्योंकि आज लास्ट डे हमारा श्रीलंका में, एक तरह से आप कह सकते हो, क्योंकि कल सुबह 2 बजे की हमारी फ़्लाइट है इंडिया के लिए। तो आज हमें मिरीसा से चेकआउट करना है 10:30 बजे और कोलंबो के लिए निकलना है अराउंड 3-4 PM के आसपास, क्योंकि 3 घंटे हमें लगेंगे। बाय बस हम जा रहे हैं कोलंबो, तो 3 घंटे तो लगते ही हैं। और उसके बाद एयरपोर्ट जाना है, बाकी का प्रोसेस एयरपोर्ट का आपको पता ही है। सो यहाँ पर मैं अपनी श्रीलंकन सीरीज़ को एंड कर रहा हूँ। मैं गया कोलंबो, कैंडी, एल और उनावटूना, मिरीसा, 5 जगह गया। बाकी प्लान तो था 1-2 जगह और विजिट करने का, जैसे हमारा हो गया पेंटोटा बीच हो गया। मेरा प्लान ये भी था कि हम नुवारा इलिया भी जाएंगे, बट हम नहीं गए, और क्योंकि टाइम हमारे पास कम था, 10 दिन थे और इतनी सारी डेस्टिनेशन नहीं हो पाती। प्लान में था बट हमने स्किप कर दिया। सो आई होप यू लाइक दिस श्रीलंकन सीरीज़। और अभी ओमिक्रॉन की वजह से थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्टेड ट्रैवल तो होने ही वाला है, बट आई विल मेक श्योर कि जब भी चीज़ें थोड़ी नॉर्मल होती है मैं वापस से एक ट्रिप करूँ और एक और नया एक्सपीरियंस शेयर करूँ आपके साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।